हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एस गेट वेज यूके जूनियर इंजीनियर सिविल 2023 का जो एग्जाम हुआ था उसकी जो मॉडल आंसर की जो इन स्टूडेंट्स को कुछ क्वेश्चंस में डाउट्स थे इस वीडियो में हम लोग उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे बेसिकली पेपर वन को कवर करेंगे पेपर टू ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है अगर कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं तो आप मुझे शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप में आई विल ट्राई टू कवर इन द मॉर्निंग टूमोर सो लेट स्टार्ट जो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स ने मुझे शेयर किया है दैट इज रिलेटेड टू बल्किंग ऑफ सैंड जो इन्होंने आंसर दिया है ये मॉइस्चर इन वॉइड्स दिया है बट मोर ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है इसमें रीजन पूछा जा रहा है कि सैंड की बल्किंग होती क्यों है तो अब अगर आप रेफरेंस के लिए बीसी पुनमिया की बुक देखेंगे बिल्डिंग मटेरियल्स की बेसिक सिविल इंजीनियरिंग की तो यहाँ पे आप गो थ्रू करेंगे तो जो सरफेस टेंशन फोर्सेस हैं दीज आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स को पुल अपार्ट करके रखती हैं ठीक है विच फर्देज द इंक्रीज इन दॉल्यूम ऑफ द सैंड दूसरा रेफरेंस आप एग्रीगेट इन कंक्रीट की मार्क की बुक में देखेंगे तो यहां पर भी लिखा यहां पर भी इस पैराग्राफ में बल्किंग को कहा गया है कि इट इज बेसिकली इन्फ्लुस्ड बाई सर्फल टेंशन फोर्सेज बल्किंग डिपेंड्स ऑन द मॉइस्चर कंटेंट ग्रेडिंग ऑफ द सैंड विथ फाइन सैंड बल्किंग मोर देन द दर सैंड बल्किंग इज नॉट यूजली द इशू फॉर स्टोन पार्टिकल्स इज इन लार्जर साइज द सर्फेस टेंशन फोर्सेज बिटवीन पार्टिकल्स आर इन सफिशियंट टू होल्ड पार्टिकल्स इन लूज पैकिंग कॉन्फिग्रेशन तो एक तरीके से इट इज इन्फ्लूंस बाई दर्फेस टेंशन फोर्सेस केवल हमारा जो मॉइस्चर कंटेंट है वर्ड्स में केवल वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है बिकॉज वो दूसरी सैंड्स में भी दूसरे ग्रीगेट्स में भी हमारा अवेलेबल होता है बट उसमें बलकिंग नहीं होती है बिकॉज ऑफ एबसेंस ऑफ दीज फोर्सेज फिर एम एस एटी की कंक्रीट टेक्नोलॉजी की बुक में भी हमारा सेम चीज दिया हुआ है यू कैन रेफर जो सरफेस टेंशन फोर्सेस हैं, दे कीप पार्टिकल अवे फ्रॉम अदर। तो आप इन तीनों बुक का रेफरेंस देके ऑब्जेक्शन रेस कर दीजिए जो करेक्ट आंसर है वो हमारा सरफेस टेंशन होगा इसका मोस्ट अप्रोप्रियट आंसर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ गुड ब्रिक मॉडल आंसर की में इन्होंने 3.5 दिया है बट मोर अप्रोप्रिएट आंसर हमारा सी होगा रेफरेंस के लिए मैंने आपको बुक दिया हुआ है आर के राजपूत की इंजीनियरिंग मटेरियल्स की पेज 49 जो बुक है उसमें आपको मिल जाएगा कि हमारी जो गुड गुड ब्रिक्स है कोई भी एक गुड ब्रिक है उसकी स्ट्रेंथ जो है हमारी मिनिमम टेन होनी चाहिए ठीक है दिस इज द इंजीनियरिंग मटीरियल्स आरके राजपूत की बुक है ठीक है तो इसे आप रेफर कर लीजिएगा ऑब्जेक्शन रेस करने में उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो टेम्परेरी हार्डनेस है वाटर की वो हम कैसे रिमूव कर सकते हैं तो इसमें दो ऑप्शंस करेक्ट है एडिंग लाइम भी एक तरीका है इससे हम हार्डनेस रिमूव कर सकते हैं टेम्परेरी पानी की और बॉइलिंग से भी हम रिमूव कर सकते हैं रेफरेंस के लिए आप इंटरेक्टिव स्कूल साइंस क्लास की बुक में में पेज आप जाकर देखेंगे तो देर आर बेसिकली टू मैथड डिफाइंड फॉर रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस इसमें पहला जो मेथड है दैट इज बाय हीटिंग दूसरा जो मेथड है दैट टेंट्रेरी हार्डनेस ऑफ वॉटर कैन बी रिमूव बाई ट्रीटिंग इट विथ लाइन वॉटर यहाँ पे केमिकल इक्वेशन दी हुई है कि हम लाइन से कैसे एड करके टेम्प्रेरी हार्डनेस रिमूव कर सकते हैं तो हमारा जो करेक्ट आंसर है इसमें ए एंड सी दोनों होगा इसमें भी आप ऑब्जेक्शन रेस कर दीजिएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑर्डनरी रेक्टेंगुलर ब्रिक नॉर्मली हैज अरेक्टेंगुलर फ्रॉक बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना यह है कि ओवल फ्रॉक भी हो सकता है बिल्कुल हो सकता है बट अभी जो इंडिया में प्रैक्टिस है उसमें जो ऑर्डनरी ब्रिक्स बन रहे हैं जो है। रेक्टेंगुलर है, ब्रिक्स है, है उसमें हमारे रेक्टेंगुलर फ्रॉक के ही साइजेस दिए हैं ओवल फ्रॉग के बारे में कोई भी जिक्र नहीं है कोई भी उस पर डिस्कशन नहीं किया गया है तो मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ही होगा बिकॉज कोर्ड ने भी चीजों को स्टैंडर्डाइज किया हुआ है और जो हमारी

वी आर मेकिंग इट विद यूज ऑफ वॉर रजिस्टेंस बॉन्डिंग एजेंट्स जहां पर हमारा प्लाईड जो है वो शटरिंग की तरह इस्तेमाल करना है अगर प्लाईड आप यूज कर रहे हो तो आपको वाटर रजिस्टेंस बॉन्डिंग एजेंट्स यूज करना है तो मेरे हिसाब से ये भी भी आंसर सही है इसमें भी आप ऑब्जेक्शन मत रेस करिए ऑक्सीजन कंज्यूम बाय ऑर्गेनिक मैटर इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन वाटर इज कॉल्ड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एक्चुअल में ये हमारी बायोलॉजिकल नहीं होती इट इज बेसिकली बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड रेफरेंस के लिए तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा ये मैंने गलत लिख दियामिकल यहां पर होगा तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड नहीं होती टर्नोलॉजी बीओडी का फुल फॉर्म तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा मैंने ए लिख रखा है

इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है किसने बी मार दिया है टिक कर दिया है किसी ने सी टिक कर दिया है बट करेक्ट आंसर जो है वो डायगोनल बकलिंग के लिए ही हम जो इंटरमीडिएट ट्रांसफर्स स्टिपनर्स हैं डायग्नल बकलिंग के लिए ही यूज करते हैं रेफरेंस के लिए आप सबसे पहले चलते हैं आई कोड की डेफिनेशन पे आई एस कोड है आई एस एट हंड्रेड टू थाउजेंड सेवन इसमें जो ऑप्शन बी दिया हुआ है वो हमारा लोड बियरिंग स्टिफनर के लिए दिया है टू प्रिवेंट लोकल बकलिंग ऑफ द वेब ड्यू टू कंसनट्रेटेड लोडिंग और बियरिंग स्टिफनर में टू प्रिवेंट लोकल क्रशिंग ऑफ द वेब टू द ड्यू टू कंसनट्रेटेड लोडिंग ठीक है और जो इंटरमीडिएट ट्रांसफर्स वेब स्टिफनर है टू इंप्रूव द बकलिंग स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर वेब ड्यू टू शेयर एंड दिस शेयर इज बेसिकली डायगनल शेयर स्ट्रेसिस यहां पर आप पढ़ रहे हो कि इन अ डीप वेब बकलिंग so, ये उत्पल घोष की बुक है डिजाइन ऑफ वेल्डेड स्ट्रक्चर की तो ये वाला हमारा कंसेंट्रेटेड लोडिंग ये हमारा लोड स्टिफनर्स हो गए लोड कैरिंग स्टिफनर्स और ये हमारा बियरिंग स्टिफनर्स हो गए तो so, ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे None of these भी नहीं होगा चेक द डायंगल बी वेब विल बी द कर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कितने तरीके हैं हमारे टेबल को ओरियंट करने के लिए डिफरेंट बुक्स में अलग दिया हुआ है लेकिन बेसिकली हमारे पास तीन तरीके अवेलेबल होते हैं ठीक है तो मोस्ट अप्रोप्रियट आंसर हमारा बी होगा सी कुछ बुक्स में हमारा सी दिया हुआ है ठीक है जैसे हमारी बीसी पुनमिया की बुक में आप अगर देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम सर्वेइंग की इसके दुग्गल की बुक देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास दे आर आर थ्री मैथड्स ऑफ ऑरियंटिंग द टेबल ट्रफ कम्पास बैक और रिजेक्शन मैथड जो फर्दर डिस्कस किया गया है लेकिन जो बाकी बुक्स हैं बी पुनमिया में वहाँ पर हमारे पास दो मैथड्स डिफाइन किए गए हैं टू मैथड्स आर देयर वहाँ पे हमारी रिजेक्शन मैथड को नहीं डिस्कस किया गया है एक राकेश रंजन की बुक है यहाँ पर भी दो तरीके ही दिखाए गए हैं तो आई कि जिन स्टूडेंट्स ने दो टिक किया है या तीन टिक किया दोनों के ही करेक्ट माने जाएंगे Because जो जो बुक कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर किया होगा तो आई वुड सजेस्ट जिसने दो किया है या तीन किया है वो अकॉर्डिंगली अपना ऑब्जेक्शन रेस कर सकता है वैसे इसको के लिए आपको डालना पड़ेगा उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकालेज मेथड इज पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर

फर्स्ट क्लास ब्रिक विन एमर्ज इन वाटर फॉर ट्वेंटी किया है कि जो हमारा कोड है कोड हमारा फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास का क्लासिफिकेशन डिस्कस नहीं करता है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के क्लासिफिकेशन के बेसिस पे वॉटर एब्सॉर्बेशन की लिमिट देता है तो कोड यह कहता है कि अगर आपका जो स्ट्रेंथ है ट्वेल्व पॉइंट फाइव तक है तो वाटर ऑब्जॉर्प्शन की लिमिट आपकी ट्वेंटी परसेंट तक होगी ठीक है इन कोल्ड वाटर इमर्जन टेस्ट फॉर ट्वेंटी फोर आवर्स और इससे ज्यादा होगी तो आप पंद्रह परसेंट रखोगे अब आप देखोगे कि जो फर्स्ट क्लास ब्रिक है जो हमारी फील्ड प्रैक्टिस का क्लासिफिकेशन है फर्स्ट क्लास ब्रिक्स में आपकी जो स्ट्रेंथ मिनिमम होनी चाहिए वो टेन पॉइंट फाइव होनी चाहिए तो इसका मतलब अगर आपकी टेन पॉइंट फाइव से ट्वेल्व फाइव हो गई तो आपका जो वाटर ऑब्जॉर्प्शन है वो ट्वेंटी परसेंट हो गया ठीक है तो कंजर्वेटिव साइड में हमारा ट्वेंटी परसेंट हो गया और अगर ट्वेल्व पॉइंट फाइव से स्ट्रेंथ ज्यादा है तो अब आप कह सकते हो कि आप पंद्रह परसेंट पे जाओगे ठीक है लेकिन वो ब्रिक्स हमारा फर्स्ट क्लास ही बिक रहा तो एक तरीके से आपके दो कॉन्ट्रेडिक्शन हो रहे हैं यहां पर तो आई एस वन जीरो जीरो सेवन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेसिस पे दे रहा है और अगर हमारी जो बुक्स देखेंगे आप फर्स्ट क्लास ब्रिक्स में देखेंगे तो हमारा दुग्गल की बुक कहती है कि 12 से 15 परसेंट ऑफ वेट होना चाहिए जब 24 घंटे के लिए कोल्ड वाटर में करेंगे। कुछ और दूसरी बुक्स हैं जैसे राजेश कुमार है बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसमें ये कहता है कि अगर हम ब्रिक्स को एमर्ज कर रहे हैं ट्वेंटी आवर्स के लिए तो हमारा ट्वेंटी हमारी लिमिट है फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए तो आप अपना माइंड अप्लाई करिए और जैसा ठीक लगता है आप कर सकते हो ये मैंने आपको रेफरेंसेस दे दिए दोनों तरीके के ठीक है

फोर नाइन नाइन में क्लियरली है कि अगर थिक प्लास्टरिंग mm है तो सीमेंट मोटर अगर का है तो आपको क्यूबिक मीटर आपको सीमेंट चाहिए इज इंक्लूड बैग्स ठीक है तो इसमें आप ऑब्जेक्शन रेस कर दीजिएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा की जो सीवर कैरिंग सीवेज फ्रॉम हाउस टू पब्लिक सीवर उसे हम डोमेस्टिक सीवर या हाउस सीवर कहते हैं इसमें कंफ्यूजन है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ना रहे ऑप्शन सी करेक्ट है रेफरेंस के लिए फ्रेडरिक एस मैरिट की बिल्डिंग इंजीनियरिंग की बुक है जिसमें यह कहा गया है कि एक बिल्डिंग सीवर जो है एल्सोनो हाउस सीवर इज अ पाइप अट कनेक्ट बिल्डिंग ड्रेन यानी हाउस टू अ पब्लिक अब प्राइवेट सीवर अदर पॉइंट ऑफ डिस्पोजल तो ये हमारा बिल्डिंग सीवर हो गया दूसरा रेफरेंस हम पीके जयश्री की बुक में जाकर देखते हैं तो हाउस सीवर या ड्रेन सीवर डिस्चार्जेस सीवर फ्रॉम अ बिल्डिंग यानी हाउस टू अ स्ट्रीट सीवर लेटरल सीवेज क्या करता है सीवेज डायरेक्टली कलेक्ट करता है डिफरेंट हाउस होल्ड बिल्डिंग्स को ठीक है और ब्रांच सीवर क्या करता है या सब मेन सीवर रिसीव सीवेज फ्रॉम रिलेटिवली स्मॉल एरिया तो मेरे हिसाब से डोमेस्टिक सीवर करेक्ट आंसर है बिकॉज डोमेस्टिक सीवेज को ही हम सेनेटरी सीवर भी बोलते हैं कभी कभी ठीक है ये तीनों एक ही नाम है सेनेटरी सीवर तो इसमें भी मेरे हिसाब से कोई भी ऑब्जेक्शन रेस करने की जरूरत नहीं है इन्होंने करेक्ट आंसर दिया है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू कलर ऑफ वॉटर इज ड्यू टू इस स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में स्टूडेंट को बहुत डाउट है बट जो करेक्ट आंसर दिया है कोलाइडर सॉलिड करेक्ट है जो ट्रू कलर कलर है वो पानी का हमारा dissolved solids की वजह से नहीं आता है जो डिजॉल्व सॉलिड्स है वो कलर को अपरेंट कलर प्रोवाइड करती है जो डिजॉल्व और जो सॉरी गलत बोल गया जो डिजोल्व सॉलिड्स है वो केवल हमारी ट्रू कलर को इम्पार्ट करती है तो डिजोल्ड सॉलिड्स कोलाइडल सॉलिड्स ये हमारे ट्रू कलर के लिए हो गए सस्पेंडेड सॉलिड जो है वो ट्रू कलर इम्पार्ट नहीं करते दे देरेंट कलर ठीक है ये अपरेंट कलर प्रोवाइड करते हैं रेफरेंस के लिए मैंने तीन बुक्स का रेफरेंस दिया है पी वेनु गोपाला की बुक है जिसमें क्लियरली मैंशन है कि जो हमारा कलर है उसमें डिजॉल्व सॉलिड्स जो है वो ट्रू कलर इम्पार्ट करती हैं जो सस्पेंडेड सॉलिड है वो अपरेंट कलर इम्पार्ट करती हैं इट इज ड्यू टू दी कोलाइडल पार्टिकल्स दूसरी राकेश कुमार की म्यूनिस्पल वाटर की बुक है इसमें कलर को लेके कहा गया है ट्रू कलर इज ड्यू टू सोलूबल वॉटर जो पानी में डिजॉल्व हो जा रहा है और अपरेंट कलर इज ड्यू टू दी सस्पेंडेड मटेरियल फिर तीसरा एक रेफरेंसिक वॉटर ट्रीटमेंट का दॉटर कलर इज कॉज बाई प्रशियल ट्रू कलर इज द कलर ऑफ वॉटर विथ नो सस्पेंडेड मटेरियल प्रेजेंट ठीक है अपरेंट कलर सस्पेंडेड से आ रहा है और ट्रू कलर हमारा डिजोल्व सॉलिड से आ रहा है जो कि बेसिकली कोलाइडल सॉलिड्स हो सकते हैं ठीक है तो करेक्ट आंसर हमारा इसमें सही दिया है बी ही होगा प्लेन ट्रेबल सर्विंग यूज द मेथोडोलॉजी फॉर कंटूरिंग बिल्कुल सही स्टेट करेक्ट आंसर है रेफरेंस के लिए मैंने यहां बुक बीसीमिया का रेफरेंस दिया हुआ है रीड दिस लाइन इट कैन बी यूज टू टाइट एपोग्राफी बाई एग्जिस्टिंग कंट्रोल टू कैरी आउट ओन कंट्रोल सिस्टम बाई ट्राइंगुलेशन आर ट्रेवर्स बाई लाइन्स ऑफ लेवल्स ठीक है तो यहाँ पर जो कंटूरिंग है वो इरेवेंट है प्लेन टेबल सर्वेइंग के कंटेक्ट में इट इज स्टील अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे समझने की जरूरत है कि यहाँ पे स्ट्रक्चरल माइल्ड स्टील की बात कर रहा है जो कि जिसकी रिक्वायरमेंट हमारी आई एस एट हंड्रेड टू थाउजेंड सेवन की जो प्रोविजन है वो इस पर अप्लीकेबल है जब आप वहां पर जाके देखते हो तो कोड ये कहता है कि आई एस टू जीरो सिक्स टू जो कि मीडियम स्ट्रक्चरल स्टील और हाई स्ट्रक्चरल हाई हाई स्ट्रेंथ स्ट्रक्चरल स्टील के लिए ये कोड फॉलो करेंगे ठीक है बहुत सारी वेबसाइट्स हैं वहां पे अलग अलग जगह पे अलग अलग आंसर दिया है कहीं टू सिक्सटी दिया है कहीं फोर ट्वेंटी दिया है बट मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं आई एस एट हंड्रेड टू थाउजेंड सेवन क्या कहता है कि जो इसके प्रोविजंस हैं स्ट्रक्चरल स्टील के यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट बार की बात नहीं कर रहा है यहां पे स्ट्रक्चरल माइल्ड स्टील की बात कर रहा है जिसमें दो कैटेगरीज हैं लो और मीडियम स्ट्रक्चरल स्टील जो हमारी स्ट्रक्चरल माइल्ड स्टील की कैटेगरी में आता है और दूसरी कैटेगरी है हमारी हाई टेंसाइल स्ट्रक्चरल स्टील ठीक है तो यहां पे हाई से जो कम स्ट्रेंथ वाली स्टील है जो लो या मीडियम तो हमारी इसमें लो और मीडियम स्टील आ जाएगी ठीक है तो मीडियम अब कोड चलते हैं 2062 जीरो सिक्स टू यहां पर अगर देखेंगे तो आपका जनरली ये वाला जो क्लासिफिकेशन है यहां तक इट कम्स अंडर लो आर मीडियम स्ट्रक्चरल माइल्ड स्टील इसके ऊपर हमारा हाई स्ट्रेंथ में जाने लगता है तो अगर आप देखोगे कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो मिनिमम ये रेंज में वेरी कर रही है 290 से लेके फोर फोर्टी और भी ये हमारी मिनिमम स्ट्रेंथ है ठीक है तो हमें कोई एक स्पेसिफिक नंबर देना तो हम अगर से पूछा जाता तो आई थिंक फोर हंड्रेड के अराउंड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहां पे फोर हंड्रेड के अबाउट अगर कोई ऑप्शन होता तो वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होता एंड दैट इज बेसिकली द मिनिमम स्ट्रेंथ आई थिंक इसमें आप ऑब्जेक्शन रेस कर दीजिए क्वेश्चन में ऑप्शन हमारा सही नहीं दिया हुआ है आयरन एंड मैंगनीज कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम वाटर तो बॉइलिंग एक्टिवेटेड कार्बन एडिशन क्लोरिनेशन बिल्कुल गलत है नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर आयरन एंड मैंगनीज रिमूव करने के हमारा जो बेस्ट तरीका है वो aeration है फॉलोड इरेमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन ये हमारी सभी बुक्स में दिया हुआ है ओपी गुप्ता की बुक में अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप पढ़ सकते हो कि हमारा इेशन इक्विपमेंट इज मोस्ट वाइडली यूज इन आयरन मैंगनीज रिमूवल नेल्सन एल नेमोरोनो की बुक है इन्वॉर्मेंटल इंजीनियरिंग की जहां पर के लिखा हुआ है आयरन एंड मैगनीस कैन बी रिमूव बाई इेशन आर ऑक्सीडेशन विथ क्लोरन क्लोरिनेशन अलग चीज है ऑक्सीडेशन क्लोरिन के साथ अलग चीज है ओजोन पोटेशियम पर आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो फॉलोड बाई फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन तो वहां से भी रिमूव कर सकते हो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आप ऑब्जेक्शन मत रेस करिएगा बिल्डिंग एस्टिमेट में कॉन्ट्रैक्टर्स का प्रॉफिट एंड ओवरहेड जनरली टेन परसेंट किया जाता है बिल्कुल सही दिया हुआ है रेफरेंस के लिए मैंने चक्रवर्ती की बुक है, है। से लिए रहे हैं टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट एंड ओवरहेड और यहाँ पे कैलकुलेशन भी जितनी है वहां पर भी आपका दस परसेंट लिया गया है प्रॉफिट एंड ओवरहेड में फोर पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉमिनल साइज ऑफ मॉडलर ब्रिक बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट और ये बिल्कुल कोई भी ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है इसमें आप ऑब्जेक्शन रेस कर दीजिए यहाँ पे नाइन की जगह टेन की जगह नाइन होना चाहिए था रेफरेंस के लिए आप आई कोड आई एस वन जीरो सेवन सेवन रेफर करिए एंड यू सिक्स पॉइंट वन क्लॉस जहां पर आपका जो विथ है एक सौ नब्बे उन्नीस नौ और नौ या चालीस नौ और चार ही ऑप्शन है हमारा स्टैंडर्ड मॉडलर साइज का ब्रिक के साइज में ठीक है दिस इज द नॉमिनल साइज ऑफ द मॉडलर ब्रिक विच इज बेसिकली स्टैंडर्ड ब्रिक स्पेसिफाइड बाई आई एस कोड तो इसमें आप ऑब्जेक्शन रेस करिएगा आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल और अगर कुछ क्वेश्चन बच गए हैं तो आप मुझे शेयर कर दीजिए आई विल ट्राई टू अपलोड टुमारो मॉर्निंग थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट और जो उसका पीडीएफ है वो आई एस गेट विज के ऐप पर मैं अपलोड कर दे रहा हूँ वहां से आप एक्सेस कर सकते हो थैंक यू